Tu ठुलान थे मेरे शौ ढलान थे मेरे प्यार तो पेश चुता मर सामने आज विशेष आज मैं तीम था बताने वाला हूँ चेचवा ऑनलाइन ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेंट नंबर 38 श्रीमती सोनी जंगपांगे इमला हाल हल्द्वानी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति एक बार जोरदार तालियां सपन थे मेरे नमस्ते कुट तभी शॉ मेरे नाम से सोनी जंगपांगी और आज जो ऊन चांद प्रतियोगिता कताई बुनाई प्रतियोगिता माँ मेल भाग ले रू और ली दासपा जी तहे दिल से धन्यवाद तिमी इमी ऊन चांद बोली भाषा द बचौना लिहल अपन संस्कृति द बचौना लिहल यदि प्रोग्राम रख्या अपन तुरो भी तिम यदि सहायता करना और दखर दखर मेर जो उम्रदार छोरीन छन वैरिन छन उनथे ल मैं निवेदन करूँ कि एक बार तिमले यू कताई बुनाई प्रतियोगिता में भाग लिया जैसे कि मेरे वीडियो दी हमार आचे छन कैखिन छन ठुल्यामान छन सब नली में प्रतियोगिता में भाग ले रहा तो हेम कि न ले सकन क्योंकि यश से कि अगर हेम बचूल हेम अगर यू कताई बुनाई प्रो तो शिकूल तो फिर आगे और भी जो आने वाला जनरेशन छ जो आने वाला मर पीढ़ी छ तो वो लोग इतने सीखल तो परपरार की हंसी गोबन एम दकछी ठुल्याम हाट आचे हाट मेर आचे गोबन जिदी आचे छी तो यस कछी कि छोरीनो सब प काम सिखा से काम सी पॉल प ए कामल खाला तो मैं बहुत खुशी छ कि मैं प्रतियोगिता में भाग लिनो और दकर दकर सपन था ये मैसेज छ कि तुम सपन ले ये प्रतियोगिता में जरूर भाग लिया और अपन संस्कृति तो बचौना लिहल अपन ऊन चांद तो बचौना लिहल जरूर इम्मा हिस्सेदारी कहिया हिस्सेदारी बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना लिहल ना बल्कि अपन संस्कृति तो बचौना लिहल जैसे कि छ अगर हम सिकूल तो हमार नानतिन सिकल हमार नानतिन सिकल तो उन्हर नानतिन सिकल तो यू चीज़ बची रल तो जैसे कि ऊन चांद प्रतियोगिता में दासपा जी केरन कि पाँच टोए बुनाई मगालन से लाल कलर धौर तो यू छ मेर धक और इम्मा छ लाल कलर धैर्य गालन छ कसे ल बनौछा तिम डिजाइन वाला बनौछा प्लेन वाला बनौछा पर एक बार जरूर हिस्सेदारी लिया ताकि पत्त चलो सपन द पत्त चलो कि पल्ली किमी रोजगार कबर हमर अमनल हमर अच्छे बुमनल हम त पैलरन तो एक गाना में है याद ओन है जो मैं सुनौन चाहूँ पहाड़े की चेली ले पहाड़े की बारी ले कबे नी खाया दुई रटा सुकेले कबे नी खाया दुई रटा सुकेले पहाड़े की चेली ले पहाड़े की बारी ले कबे नी खाया दुई रटा सुकेले कबे नी खाया दुई रटा सुकेले यो मतलब छ जब पहाड़ बनक आतले सपन ठीक ठाक हेरन फिर ले जो पहाड़ बन छन उनथे दिबर हने छ कि एजी ले छ यो चीज कि कमी कबर खानन कि किदी काम करन किदी घर छोड़ करन हम है इमला जम के तो अजी हम हाल में छू हलवैन रचू अगर हम मल इमाल हची मल काम कन छी तो ये छ कि पहाड़ चल चलनल बढ़नल किदी काम के किदी कष्ट के यदि सब चीज ऊन चान के तब जाके खै अपन नानदिन पढ़े नौकरी काबिल बने तो ये छ कि अपन संस्कृति थे हमें कस के रू कस भुगती रू ये सब चीज़ें धन बुला और दासपा जी तमर तो तहे दिल से धन्यवाद छ वे लपल्ली तिमिल जोहारी बोली भाषा प्रतियोगिता के रिया वो सब वीडियो ला मैं चाहने छी तो मैं भी हमें बढ़िया बढ़िया बताओ सीख कस ची कस नी छी तो तमर बहुत बहुत धन्यवाद और यो बाद अगर ये प्रतियोगिता में अगर न्यू जनरेशन मेरे हिसाब ल अमर अच्छे छन ठुलिया मार छन अगर उन हरी यदि उम्र में हरी प्रोग्राम में यू प्रतियोगिता में भाग ली सकन ऊन चांद कताई बुनाई में तो हम की ना एक हमर तरफ भी लोग कोशिश हन चाहे कि हम नई पीढ़ी आने वाला पीढ़ी छन जो उन तक हम सिकूल तब उन लोग अब भी सिकल तो फिर प्लीज़ ऐप तीम ल जरूर भाग लिया इम्मा हार जीत लिहल ना बल्कि एक अच्छी सोच लिहल कि हम और विजयवर यू सीज बरकरार रखूल धन्यवाद और मेरी मेज़ घालू मैं यू टॉपिक इस कबर
अलग अलग हन। मेज गन्ना कोई कहेगा गन्ना कोई कहेगा गन्ना सब न अपन अपन यूज कला। तो मेल पल्ली पल्ली बार नंबर सीख में मेल मेज घेलो इम्मा और इम्मा स्टार्ट करो इम्मा पट्टी बुन रो मेल और लाल धैरी जो प्रतियोगिता में मेन च लाल धैरी के बर पर मैं अब भी बुनू। तो ट्वेप बनना बाद मैं तुम तो पूरा वीडियो दिखाओ कि मेल केमिक प्रकार ट्वेप बनाए रू। तब तक ले तिमले मेरे डकार कया चे चवा। तो देखा आपने कितनी सुंदर प्रस्तुति श्रीमती सोनी जंगपांगी जी ने दिया। उनका कहना यही है कि हमारी संस्कृति रीति रिवाज खान पान वेशभूषा नई पीढ़ी तक आगे बढ़े और उसको करने के लिए बस हम ही लोगों ने करना पड़ेगा ताकि नई पीढ़ी हमसे सीख सकें, क्योंकि ये हम जानते हैं किस परिस्थिति में हम लोग पले बड़े हैं। सुनी जंगपांगी जी आपने अपनी दिल की बात कही, वो चेचवा चैनल आपसे प्रसन्न है।